हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प पर। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और इस क्लास में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ क्या हम लोग आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, केमिस्ट्री टॉपिक को। ठीक है, और केमिस्ट्री में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री जो हमारी है इसमें देखिए अप्लाइड केमिस्ट्री में हमारे जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस में मैं आपको सबसे पहले जो पढ़ाने जा रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आज आप सभी को एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग परमाणु तो परमाणु संरचना के बारे में समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये परमाणु क्या है। ठीक है, परमाणु क्या है और उसके बाद फिर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर पाएंगे। तो सबसे पहले परमाणु की खोज किसने की थी, तो आज से लगभग 25,000 वर्ष पहले, आज से लगभग 25,000 साल पहले एक ऋषि हुए थे। ठीक है, जिनका नाम था ऋषि कन्नड। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि सृष्टि में या पृथ्वी पर है ना, इन्होंने कहा था पृथ्वी पर जो भी चीज बनी हुई है, पृथ्वी पर आप देखें हमारे चारों तरफ कितनी सारी चीजें, तो हर चीज किसी ना किसी मैटर से मिलके बनी है। चाहे ये पेन ले लो, चाहे ये बोर्ड ले लो, यहाँ तक कि हमें ले लो, है ना, आप अपने आप को ले लो। हम सभी लोग किसी ना किसी पदार्थों का मिश्रण, हम सभी लोग किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, जैसे ये पेन है प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसमें भी कोई ना कोई मैटर तो होगा। तो प्रत्येक जो वस्तु होती है, प्रत्येक जो चीज होती है इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में, जो भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी जो होती है किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर के बनी होती है। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि इस पदार्थ का जो पदार्थ होता है उस पदार्थ का सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल है ना, इन्होंने बोला क्या कि प्रत्येक वस्तु किसी पदार्थ से मिलकर के बनी होती है, प्रत्येक वस्तु किसी पदार्थ से बनी होती है तथा प्रत्येक पदार्थ का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाजित कणों से मिलकर के बना होता है, अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, ये इन्होंने कहा था, किसने कहा था, ये ऋषि कन्नड ने कहा। लेकिन ऋषि कन्नड ने इस बात में, इनने ये तो बोला कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, लेकिन ये इंडिविजुअल पार्टिकल होते क्या हैं ये इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, ये इन्होंने नहीं बताया था, तो फिर ये बताया किसने था, तो फिर ये बताने के लिए एक साइंटिस्ट हुए, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था इनका, इनका नाम था जॉन डाल्टन। और डाल्टन ने, जॉन डाल्टन जो थे, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी, इन्होंने क्या की, परमाणु सिद्धांत दिया, एटॉमिक थ्योरी दी। एटॉमिक थ्योरी मतलब परमाणु सिद्धांत। और इस एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या क्या बताया,
जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, क्या बताया इन्होंने, इन्होंने बताया प्रत्येक पदार्थ, ईच मटेरियल, इसमें लिख दें हाँ, क्या ईच मटेरियल इज मेड अप ऑफ वेरी मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल, इंडिविजिबल पार्टिकल विच इज नोन एज एटम, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं, एटम या परमाणु। तो इसलिए हम कहते हैं कि एटम की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, जॉन डाल्टन ने की थी। इसलिए क्या कहते हैं कि एटम की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, जॉन डाल्टन ने की थी। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई, जॉन डाल्टन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक थ्योरी दे करके इन्होंने बता दिया, इन्होंने एटम की क्या कर दी, खोज कर। अब इन्होंने एक चीज इसमें बोल दी कि परमाणु किसी भी पदार्थ का अविभाजित कण होता है। क्या बोल दिया इन्होंने कि एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, है ना, मतलब किसी भी मैटर का इंडिविजुअल पार्टिकल होता है कौन, एटम, जिसे हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। ये इन्होंने बोल दिया, जॉन डाल्टन ने। तो अभी जब इनने ये बात बोली और जो साइंटिस्ट थे उनके बाद में ये दिमाग में ये बात फिट हो गई, यार ऐसा तो नहीं होगा, है ना, हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो इसको डिवाइड करने के लिए, देखने के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, जे जे थॉमसन। कौन आए, जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने कैथोड रेस की डिस्कवरी की, इसकी डिस्कवरी की, कैथोड रेस की डिस्कवरी की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसके अंदर फुल वैक्यूम था। इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो क्या लगा दिए इन्होंने, कैथोड लगा दिया और एनोड लगा दिया, ठीक है, कैथोड और एनोड लगा दिया। इसमें कैथोड को और एनोड को इन्होंने ले जाकर हाई वोल्टेज से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये देखो, हाई वोल्टेज से ले जाकर के इन्होंने, हाई वोल्टेज जनरेटर लगा होता है, इससे ले जाकर के इन्होंने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया प्लस माइनस। और इसमें जब इन्होंने यहां से अब और कुछ काम नहीं किया इन्होंने, बस यहाँ कैथोड लगा दिया, यहाँ एनोड लगा दिया, यहाँ वैक्यूम भर दिया, टोटल आपकी ये क्या ले ली इन्होंने, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली किसी गैस में जो निम्न दाब पर उच्च विभव का विद्युत विसर्जन किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें जो आपका कैथोड था, यहां से इन्होंने क्या किया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया, यहां से इन्होंने हाई वोल्टेज जब अप्लाई किया, हाई वोल्टेज अप्लाई होने पर ये जो आपका कैथोड था, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत कम प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर क्या है आपका, निम्न दाब है, लगभग 0.001 Hg से लेकर के 0.001 Hg, ये प्रेशर है इसके अंदर गैस का, ठीक है, या वैक्यूम का। तो कैथोड क्या होने लगा, हीट होने लगा, कैथोड जब गर्म होने लगा तो फिर इन्होंने क्या किया, कैथोड जब गर्म हुआ तो यहां से गर्म होकर के कुछ क्या हुई, इसमें से कुछ रेज निकली, और ये जो रे थी, ये जो रे थी, ये जाकर के एनोड पे क्या हुई, स्ट्राइक हुई। तो यहां पे हमें क्या हुई, यहां पे हमें ग्रीन लाइट शो हुई, क्या हुई, यहां पे हमें इस टाइप की ग्रीन लाइट शो हुई, ग्रीन स्पार्कल दिखा, यहां ग्रीन ग्लो दिखा, है ना, हरे कलर की लाइट दिखी। इन्होंने कहा ये ग्लो किसका है, है ना, इन्होंने बोला अगर ये ग्लो इस तरफ इधर आ रहा है, मतलब ये दूसरी तरफ से आ रहा है, तो इन्होंने कहा कि कैथोड ये जो हीट हो रहा है, ये हीट होने की वजह से कुछ रेज छोड़ रहा है,
और इन रे का यहाँ पे ये यह हमें क्या दिख रहा है, ग्लो दिख रहा है, ठीक है। तो इन रे को, इन रे को जे.जे. थॉमसन ने क्या बोल दिया, इन रे को जे.जे. थॉमसन या कैथोड रेज बोल दिया इन्होंने, इनको इनको इन्होंने कैथोड रेज नाम दे दिया, ठीक है। अब इन्होंने बोला कैथोड रे चूंकि कैथोड से चल करके एनोड की तरफ आ रही है, मतलब माइनस से प्लस की तरफ आ रही है, मतलब क्या है ये नेगेटिव, भाई प्लस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस को। तो इन्होंने बोला जो कैथोड रे होती हैं वो निगेटिवली चार्ज होती है, ऐसी होती हैं ये निगेटिवली चार्ज होती है, निगेटिवली चार्ज होने का मतलब क्या है, ऋणावेशित होती है ना, क्या होती है, ऋणावेशित होती है। यह प्रयोग जे.जे. थॉमसन द्वारा किया गया था जिससे आगे चलकर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, किसने किया था ये 1897 में जे.जे. थॉमसन ने इसको किया था, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या फिर, जब इन्होंने ये देख लिया कि कैथोड रे, अब कैथोड रे की क्या पता चली, फिर इन्होंने बोला कि ये जो कैथोड रे होती है ऑब्वियस सी बात है या कैथोड रे किसी ना किसी पार्टिकल से मिलके तो बनी होंगी, तो वो पार्टिकल भी कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे, और उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम क्या दिया गया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इस प्रकार से क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब ये कैथोड रे जो थी इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, तो कैथोड रे जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करती हैं, पहला पॉइंट, इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई कि कैथोड रे जो है वो कैसी चलती है, कैथोड रे हमेशा सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है और अपने मार्ग में जो भी आने वाली वस्तु होती है उसकी छाया दर्शाती है, मतलब क्या है कि इधर से हमने कैथोड रे दी और बीच में अगर कोई क्या आया, बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका पीछे क्या बनेगा, शैडो बनेगा, है ना, उसका पीछे क्या बनेगा, शैडो बनेगा। हाँ जी, तो कैथोड रे जो होती है वो हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, जैसे हमारी लाइट चलती है, ठीक है, लाइट भी स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर देखना हो कभी तो टॉर्च जला के अंधेरे में टॉर्च जलाना, आपको लाइट सीधी लाइन में चलते हुए दिखाई देगा। क्या कभी देखा है कि लाइट हमने ऐसे मारी टॉर्च से तो ये गई मुड़ के वो उस बाहर निकल गई, ऐसा नहीं होता ना, है ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है और अपने मार्ग में जो भी ऑब्जेक्ट आती है उसके पीछे क्या बनाती है, शैडो बनाती है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, कैथोड रेज मैकेनिकल इफेक्ट उत्पन्न करती है, मतलब मैकेनिकल इफेक्ट कैसे, मतलब यह है कि अगर हमने यहाँ से कैथोड रे डाली, अब ये मैकेनिकल इफेक्ट देखने के लिए क्या किया, हमने यहाँ पे एक व्हील लगा दिया, क्या लगा दिया, एक व्हील लगा दिया और इस पर हमने ये मैकेनिकल प्लेट डाली, ये कैथोड रे डाली, तो ये जो व्हील था ये व्हील क्या होने लगा भाई साहब, घूमने लगा, ये व्हील घूमने लगा, मतलब इसमें मैकेनिकल इफेक्ट होता है। ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि इसमें मैकेनिकल इफेक्ट, जब हल्के पैडल को इसके रास्ते में रखा जाता है तो घूमने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सूक्ष्म पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, कैथोड रे होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है जिनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। कैथोड रे जो है वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड में विचलित हो जाती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तो चूंकि क्या होती है, ये ऋणावेशित या धनावेशित होती है, इसलिए क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट होती है। कैथोड रे जो है वो हीटिंग इफेक्ट शो करती है, बिल्कुल करती है। हाँ, क्या ये प्रतिदीप्ति फ्लोरोसेंस उत्पन्न करती है, है ना, तो बिल्कुल ये फ्लोरोसेंस उत्पन्न करती है, पीछे हमने देखा था ग्रीन ग्लो आ रहा था, ठीक है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर देती है, बिल्कुल ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्टेड कर देती है। और कैथोड रे, दूसरी विशेषता, कैथोड रे जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, एक विशेषता इनकी ये भी है कि ये नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। तो ये क्या हुई, कैथोड रे की कुछ विशेषताएं हुई। अब बात करते हैं क्या कैथोड रे का प्रवाह सर्वप्रथम किसने देखा था, 1879 में क्रुक्स द्वारा देखा गया, है ना, कैथोड रे का जो फ्लो है वो सबसे पहले 1879 में क्रुक्स ने देखा था, लेकिन 1897 में जे.जे. थॉमसन ने कैथोड रे की जो नेचर है उन सबका अध्ययन किया,
और लॉरेंज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इन्होंने ये तो बताया था जे.जे. थॉमसन ने क्या कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है कैथोड रेस, लेकिन लॉरेंज ने उन पार्टिकल का नाम क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था लॉरेंज ने, डिस्कवरी की थी जे.जे. थॉमसन ने और कैथोड रे को सबसे पहले किसने देखा था, क्रुक्स ने। यहाँ से तीन क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि कैथोड रे का फ्लो सबसे पहले किसने देखा था, तो वो क्रुक्स ने देखा था, कैथोड रे की डिस्कवरी किसने की, तो वो जे.जे. थॉमसन ने की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे.जे. थॉमसन ने की, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, लॉरेंज साइंटिस्ट ने नाम दिया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है, इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है वो भी कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है। ठीक है, इतना इस पे चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम। ये क्या होता है, इस पर द्रव्यमान होता है। तो इन तीनों से, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है ये हमारे भाई साहब किसने की थी, जे.जे. थॉमसन ने, जे.जे. थॉमसन ने ये डिस्कवरी की थी। ठीक है, थॉमसन, जे.जे. थॉमसन ने ये डिस्कवरी की थी। पहले समझ आ रही हो तो हम दोबारा लिख देते हैं, ठीक है, जे.जे. थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की थी। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है, और इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम होता है। क्लियर, तो ये बात हुई पूरी किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, कैथोड रेस के बारे में। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग एनोड रेस की डिस्कवरी देखेंगे, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और भी बहुत सारी चीजें समझेंगे वो अगली क्लास में। तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।